वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस। आपको दिख रहा होगा विविध, यानी ये लूसेंट का विविध है। आपको बता दें, इसमें मैं टॉपिक वाइज एक एक करके जो है छोटे छोटे पैकेट्स के माध्यम से आपको दे रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो को देखकर आप जो है चीज़ें लर्न कर सको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, और एक से दो बार वीडियो जरूर देखा कर देखिए। इसमें से हम पहले ही कंप्लीट क्या करा चुके हैं, विविध में भारत में प्रथम करा चुके हैं, और उसके बाद भारत में प्रथम पुरुष भी करा चुके हैं, प्रथम महिलाएं सब कुछ हो चुका है। उसके बाद जो है बड़ा लंबा ऊंचा भी करवा चुके हैं और विश्व में प्रथम भी करवा चुके हैं। आज हम जो है विश्व में लंबा ऊंचा और बड़ा करवाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा है बड़ा छोटा लंबा में, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप, भारत एशिया महाद्वीप का ही पार्ट है। और वहीं सबसे छोटा आप बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया नाम से भी जाना जाता है। वहीं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है, मेरियाना गर्त इसी में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है, और सबसे गहरा गर्त कहा जाएगा तब भी प्रशांत महासागर ही आप लगाएंगे। वहीं सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या हो जाएगा? लंदन ग्रेट ब्रिटेन में है। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि जब कहा जाएगा तो आप बताओ ग्रेट ब्रिटेन हो जाए। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार क्या हो जाएगा? रूस है। और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी है। ये पोप यहाँ रहते हैं। अब बात सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आप बताएं, चीन है। और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या किस में है? तो भारत में है। और वहीं सबसे ज़्यादा निर्वाचन वाला, सर्वाधिक निर्वाचन संख्या किस देश में, मतलब क्या है, वोट देने वालों की संख्या कहाँ पर? तो बताओ भारत में ही है, यानी यहाँ युवा जनसंख्या ज़्यादा है। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या जो है घनत्व तो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा लोग बहुत कम रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या का तो क्या? अंटार्कटिका है। इसे श्वेत द्वीप भी कहा जाता है, सफ़ेद द्वीप भी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कहेंगे तो सिंगापुर ही है। और भारत को सबसे अधिक FDI भी सिंगापुर से ही प्राप्त होता है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? टोक्यो जापान का है। वहीं सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? वेटिकन सिटी है। सबसे अधिक आबादी कौन सा है? टोक्यो जापान। और सबसे कम कहाँ? वेटिकन सिटी में है। तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा जो है देश भी है और सबसे कम आबादी वाला देश भी है, आप याद कर सकते हैं नगर भी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? सबसे लंबी सीमा किसका? कर्नाटक का है। और सबसे अधिक सीमाओं वाला देश बताओगे तो चीन है। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा? जिब्राल्टर सबसे छोटी सीमा वाला देश। वहीं सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक देश से लगने वाले तो चीन का 14 देशों के साथ सीमाएँ लगती हैं। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप बताएंगे अरब प्रायद्वीप है। और वहीं सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? इंडोनेशिया। या मुस्लिम लोग सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तो इंडोनेशिया में ही रहते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांझली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और ये कहाँ पर है? तो असम में है। सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पर? मांझली द्वीप है। ये असम में निर्माण करती है। कौन निर्माण करती है? पता है ब्रह्मपुत्रा नदी। और सबसे बड़ा डेल्टा आप बताएंगे सुंदरवन डेल्टा, वो कहाँ पर है? भारत में है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये क्या कहाँ पड़ती है? मिस्र में है। और सबसे बड़ी नदी जब कहा जाए अमेजॉन नदी, ये दक्षिण अफ्रीका में है। चौड़ी या बहाव की दृष्टि से भी तब भी आप बताएंगे अमेजॉन नदी है, अमेजन नदी। अब बात करते हैं सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे छोटी नदी डी नदी के नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ा सागर कौन सा? दक्षिणी चीन सागर क्या है? सागरों में सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। और वहीं पर सबसे विशाल उपसागर कौन सा? हडसन उपसागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर है। सबसे छोटी पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटी, इसी को गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा है, अमेजोन की सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाए तो आप बताओ मेडिरा है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा? राइन नदी है। ये कहाँ पर? राइन नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, जर्मनी में है। अंतःसागरीय नदी कौन सी है? तो क्रोमेल की धारा जो है अंतःसागरीय नदी, सागर के अंदर छोटी सी नदी प्रवेश कर रही है। और वहीं सबसे लंबा मुहाना कौन सा है? ओब नदी का मुहाना है। किसका? ओब नदी। ये कहाँ पर है? रूस में है। सबसे लंबा मुहाना है। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? कील नहर। और सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील है। ये कहाँ पर है? रूस में है। अब बात करते हैं
सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील ये कहाँ पर है? अमेरिका में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है। सबसे गहरी झील कौन सी? तो बैकॉल झील सबसे गहरी झील है। ये कहाँ? बैकॉल रूस में है। झील के अंदर झील है, मैनिटू कनाडा में है। सब झील के अंदर झील कहा जाएगा तो बताओ मैनिटू कनाडा में सब झील के अंदर झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में है। ये नौकायान के लिए सबसे अच्छी झील है टिटिकाका झील, सबसे ऊंचाई पर। सबसे बड़ा लैगून झील, अब देखिए ऐसे ऊंचाई पर से ऐसे टीटी जोड़ोगे तो ऊंचा तो हो ही जाएगा, तो ऐसे आते टिटिकाका झील। सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? लैगोआ डॉस पैंटोस पैटोस जो है ब्राज़ील में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना साल्टो एंजिल जो है कैरोना नदी वेनेजुएला पे है बनाती है। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? खोंड जलप्रपात या खोंड जलप्रपात, ये लाओस पे पड़ता है सबसे चौड़ा जलप्रपात। अब बात करते हैं जलप्रपात में झरना होता है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। सबसे बड़ा जल डबरू मध्य जो है डेविस जल डबरू मध्य है, ये ग्रीनलैंड तथा बैफिन द्वीप के बीच जो है जल डबरू मध्य है। जल डबरू मध्य के ऐसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखते हो ऐसे डमरू ऐसे होता है, बीच में जगह है और ये जल इस तरह वाला जाने जगह इसी को बोलते हैं। दो जगहों के बीच जैसे यहाँ पर कहा गया ग्रीनलैंड इधर है मान लो, अब फिर दूर इधर जो स्पेस है इसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। और इसका बनावट ऐसे ही होता है जैसे डमरू भी आपने देखा ऐसे ही होता है, बीच में दबाव दोनों तरफ फैला होता है। अब बात करते हैं सबसे सकरा जल डमरू मध्य जो होता है यूनान का यूबिया द्वीप के मध्य है, एंजिल सागर में है। सबसे बड़ा गल्फ कहा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा। और वहीं सबसे विशाल जलसंधि किसकी? टार्टार जलसंधि है, ये रूस तथा सखालिस तीन द्वीप के मध्य है। सबसे चौड़ी जलसंधि कौन है? डेविस जलसंधि है, ग्रीनलैंड तथा बर्फीन द्वीप के मध्य है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, हिमालय नेपाल में है। सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन है? तो हिमालय पर्वतमाला है, ये एशिया में पड़ता है। बने रहे प्यार साथियों, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन से? एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। सबसे लंबी जो है कौन सी? तो एंडीज है। और सबसे ऊंचा पठार कौन है? पामीर का पठार, तिब्बत में इसे एशिया का छत भी कहा जाता है। सबसे नीची पहाड़ी कौन से? बुकिट टॉमसन ब्रुनेई में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? माउंट कोटोपैक्स, ये कहाँ है? इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में है। देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाएगा तो कोटोपैक्स ही हो जाएगा। और वहीं सबसे विशाल ज्वालामुखी कहाँ? मोनालोआ या हवाई द्वीप पर है। सबसे ऊंचा बांध कौन है? न्यूरेक 304 मीटर है, तजाकिस्तान में है। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट वाला तो क्या है? ग्रांड कुरी बांध है, कोलंबिया नदी पर है। तो ये दोनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको कर लेना है। आप बात करते हैं सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सिद्ध रुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन। देखिए पहला पहले क्या था? गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब सिद्ध रुद्ध स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन है। श्री सिद्ध रोढ़ा स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन 1507 किलोमीटर, पहले 1333 किलोमीटर था गोरखपुर वाला। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आप बताओगे ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। ये विश्व का सबसे बड़ा है ये हुबली रेलवे स्टेशन। सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे कौन सा है? तो सोदोर है, बोल्विया में है। सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा? गोटहार्ड जो है स्विट्जरलैंड में है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी? लीडर है। लीडर क्या है? सबसे लंबी सड़क सुरंग, बड़ी सड़क सुरंग है। सबसे ऊंची सड़क कौन सी? लेह मलानी मार्ग क्या है? भारत में पड़ता है। सबसे बड़ा राजमार्ग क्या है? ट्रांस कैनेडियम जो है। विश्व की सबसे ऊंची बात करें तो ये लेह मलानी भारत में ही है स्थित है। विश्व सबसे ऊंचा नगर कौन सा? बेंचुआन तिब्बत में है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलविया में। सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कहा जाए लापाज हो जाएगा। सबसे विशाल दलदल जो है प्रीपेड दलदल है साइबेरिया क्षेत्र में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? गोबी मंगोलिया में है। एशिया का जब कहा जाए तो गोबी, और भारत का क्या कहा जाए तो थार हो जाएगा। सबसे ठंडा प्रदेश क्या हो जाए? बोस्टाल हो जाएगा अंटार्कटिका में। सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? अल हराम मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद जो है काहिरा मिस्र में है। और सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है, कहाँ पर है तो बताओगे? भारत में। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? बेसिलिका ऑफ द सेंट पीटर वेटिकन सिटी में पड़ता है। सबसे बड़ा महल क्या है? वेटिकन सिटी पैलेस है। सबसे बड़ा महल कहा जाएगा वेटिकन सिटी पैलेस है, इटली में पड़ता है। सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? बुर्ज खलीफा है, 829.84 मीटर है, लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, इतना ऊंचा है।
सबसे लंबी दीवार क्या है? चीन की दीवार सबसे लंबी दीवार है। सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है? स्टार हो स्टेडियम प्राग चेक गणराज्य में पड़ता है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम क्या है? सुपर डोम लुइसियाना यूएसए में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पड़ता है भारत विश्व में? तो बताओ मानसिनराम मेघालय में। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेला आप मास्को है रूस में पड़ता है। सबसे बड़ा बंदरगाह कहेंगे तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है यानी यूएसए में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या है? खालिद हवाई अड्डा। खालिद हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है बताओगे? ये जो है रियाद में पड़ता है, रियाद सऊदी अरब। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो चिंपांजी है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कहाँ? चिंपांजी है। सबसे विशाल मंदिर कौन? अंकोर वाट मंदिर है, कंबोडिया में है। अब वहीं पर बात करते हैं, सबसे बड़ी मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। सबसे बड़ा संग्रहालय क्या है? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। देखिए सबसे बड़ा मंदिर जो विशाल मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया वाला याद करके रखना है। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? कांग्रेस पुस्तक। सबसे बड़ा पुस्तकालय संग्रहालय कौन सा? तो आप बताओगे ये पुस्तकालय कहोगे तो कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन जो है यूएसए में है। स्थापना 1800 में हुई थी। सबसे बड़ा चिड़ियाघर को क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सबसे बड़ा पार्क जो है वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है कनाडा में है। सबसे बड़ा पार्क जब कहा जाएगा वुड बफेलो नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम वो है मियाझाकी जापान में है। और वही बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य प्रसाद जो है इंपीरियल पैलेस टोक्यो में है यानी राजाओं के रहने वाला महल सबसे बड़ा कौन सा? इंपीरियल पैलेस टोक्यो में है। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत क्या है? पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे लंबी वृक्ष लंबा वृक्ष क्या है? सिकोया का वृक्ष है कैलिफोर्निया जीरा में है। सबसे ऊंचा पशु जीराफ है। सबसे विशाल काय पशु जब कहा जाएगा तो ब्लू है। देखिए ऊंचा पशु कहा जाएगा तो जीराफ है, विशाल काय क्या है? ब्लू हो जाएगा। सबसे बड़ा पक्षी क्या है? ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा सोलर पावर को है भादला सोलर पावर है, ये राजस्थान में है। अब बात इसकी ऊंचाई 19,300 फीट है या 428 किलोमीटर लंबी सड़क है जो रोहतांग ला बारा लाचा व लुन गा लाचा यमटंग लच दर्रे से होकर गुजरता है। अब प्यारे साथियों ये सेशन जो है बड़ा ऊंचा लंबा वाला ही खत्म होता है। इसके बाद हम जो है क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह देखें। जैसे भारत का क्या है? अशोक स्तंभ है। और स्पेन का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? ईगल है। तुर्की का क्या है? तो चांद तारा है। डेनमार्क का क्या समुद्री तट है? नॉर्वे का शेर है। बांग्लादेश का क्या? वाटर लिली है। फ्रांस का लिली है। नीदरलैंड का क्या है? शेर है। तो इन सबको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले प्यारे साथियों बने रहें। अब इसमें सीमाएँ देखें, सीमाएँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जैसे मैकमोहन क्या है भारत और चीन के बीच? रेड क्लिफ रेखा क्या भारत और पाकिस्तान के बीच है? हिंडरबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच? 38वीं समांतर रेखा आप बता दें उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच। अब वहीं पर बात करते हैं मैग्नी चार्ट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच। 29वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच। माइनर हिंड रेखा जो है रूस और फिलीपींस। और वहीं ड्यूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान। अब बने रहें प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो में आपको कई चीज़ें मिलने वाली हैं। देखिए और भी सब प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक मिलेंगे, मानचित्र रेखाएं मिलने वाले हैं आपको, और उसे कई टॉपिक्स में हम क्लियर कराएंगे। एजेंसियां आपको मिलने वाली हैं, उसके साथ साथ प्रमुख चिन्ह और प्रतीक भी मिलने वाले हैं। तो बने रहें प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय।